हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये देखिए, मैंने सोफ़े का कवर बनाया है। आइए आज मैं आपको बताऊंगी सोफ़े का कवर बनाना बहुत आसान तरीके से। ये जो हमारा रेडीमेड सोफ़े कवर है, तो हमारा बैठने पे एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो हम इसको हटा के इस पर ऐसा कवर लगाएंगे जिससे कि आपका सोफ़े कवर बिल्कुल भी एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, जैसे कि तैसे पड़ा रहेगा। आप इस पर सोएंगे चाहे बैठेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी लंबाई का माप ले लेना है। आपका सोफ़ा जितना लंबा है आपको उसकी लंबाई का माप ले लेना है। ये देखिए, और जो हमारे एक इंच टेप हमारा 60 इंच का होता है, पर हमारा सोफ़ा बहुत बड़ा है, तो हम इसको पूरा इंच टेप से माप के जोड़ के लिख लेंगे टोटल लंबाई। और इसकी हमारे सोफ़े की मोटाई है टोटल 4.5 इंच। ये देखिए, 4.5 इंच थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और इसकी चौड़ाई है हमारी 33 इंच। आपको अपने सोफ़े की चौड़ाई का माप लेना है, उसके बाद आपको उसको नोट कर लेना है। आपको ये नाप लेने के साथ साथ एक कॉपी पेंसिल रख लेना है, जिससे आपको नाप लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कॉपी पेन की सहायता से आप चाहें तो यहाँ तक भी डायरेक्ट नाप ले सकते हैं, चौड़ाई यहाँ से और यहाँ तक पूरे नीचे तक का। ये देखिए, फिर इस चौड़ाई से आपको कम से कम 15 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये हमारा टोटल है 36 इंच। हम इसमें 15-14 इंच और एक्स्ट्रा करके इसको 50 इंच ले लेंगे चौड़ाई। अब हमें ऊपर का भी ऐसे ही माप लेना है। ये देखिए, पूरा आपको नीचे तक का माप ले लेना है। और इस पूरे माप से कम 15 इंच और आपको एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। कुछ हमारा कपड़ा सिलाई में चला जाएगा, कुछ हमारा इलास्टिक लगाने के बाद हम सिलेंगे, तो उसे हमारा अपने नाप के हिसाब से आपको 15-15 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है लंबाई में और चौड़ाई में दोनों साइड से। तो ये देखिए, ये हमारा नाप कंप्लीट हो गया। और हमारी इसकी जो लंबाई है, ये हमारा लंबाई तो उतना ही है जितना कि हमारा नीचे वाला लंबा था। तो आइए हम इसको काटना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जितना हमारा सोफ़ा लंबा था उसकी लंबाई से मैंने इसको 15 इंच एक्स्ट्रा कर लिया है, 4.5-4.5 इंच दोनों तरफ से। ये देखिए, मैंने मोटाई माप लिया था इसमें, और उसके बाद आपको इसमें 15 इंच ऐड कर देना है। तो हमारा टोटल 80 इंच बन गया है। और ये जो हमारी चौड़ाई है, इस चौड़ाई को भी हमारा 36 इंच था, तो इसको मैंने इसमें 14 इंच ऐड किया, तो हमारा 50 इंच हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से माप ले लेंगे। देखिए, आपको अपने सोफ़े की जितना लंबा है आप उसको ध्यान रखने का, आप उसे आपको 15 इंच एक्स्ट्रा रखना है। देखिए, आपको 15 इंच एक्स्ट्रा करके, और आपको ये हमारी चौड़ाई है 50 इंच, आपको अपने चौड़ाई कभी एक्स्ट्रा मापने के बाद एक्स्ट्रा आपको 15 इंच ज़्यादा रखना है अपने कपड़े का। हम इसी के बराबर मैंने दो टुकड़ा कट कर लिए, एक हमारा ऊपर सीट वाला कवर और एक जो हमारा इसका ऊपर साइड का है उसका। अब इसको सिलने के लिए मैं आपको बता दूँ, ये मैं साड़ी से बता रही हूँ, आप चाहे तो किसी भी कपड़े से बना सकते हैं, आप मार्केट से कोई भी न्यू कपड़े ला के लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको इसकी किनारी से इस तरीके से फोल्ड करके, आप कोने पर थोड़ा इसमें ध्यान देने का, आप कोने पर कैसे फोल्ड करना है मैं अभी आपको बता दूंगी। और चारों तरफ से आपको 1-1 इंच फोल्ड करके इसमें सिलाई कर लेना है। ये देखिए, आपको पूरा चौकोर सिलाई करना है फोल्ड करके। मैं आपको बता दूं आप कोने पर कैसे सिलना है, तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हम सबसे पहले आप कोने पर से इस तरीके से, देखिए हमारा ऐसे फोल्ड करना है सबसे पहले, उसके बाद ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, इसके बाद आपको यहीं से, ये देखिए, यहाँ से सिलाई करना है। आपको बिल्कुल पूरा कोना बंद नहीं करना है। यहाँ से मैं खाली जैसे अपना सलवार में नाड़ा डालने के लिए जगह छोड़ते हैं, हमें ठीक उसी तरीके से इस कोने पे भी सलवार में नाड़ा डालने के जैसे बना लेना है। और इसके बाद आपको 1 इंच की चौड़ाई कैसे फोल्ड करते हुए इस पर आपको सिलाई करनी है। ये देखिए, ये जो हमारा दूसरा कोना आ गया, तो आपको यहाँ इस कोने को भी यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। इसके बाद आपको ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ऐसे फोल्ड करके और ऐसे फोल्ड करने, और आपको सिलाई बिल्कुल किनारे पे नहीं लानी है। आपको यहाँ बीच में से, देखिए, आपको बीच में से घुमा लेना है, ताकि आपका पीछे उसमें पिन जाने आने का रास्ता बच जाए, जिसमें कि हम इलास्टिक लगा सकें। अब हमें यहाँ से ऐसे इसको घुमा लेना है। आपको हमारे चैनल पे, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रिज का कवर, डबल डोर का कवर, वाशिंग मशीन का कवर, डबल डोर फ्रिज कवर, छोटी अलमारी कवर, बड़ी अलमारी कवर, वाशिंग मशीन कवर, संदूक का कवर, कूलर का कवर, ड्रम का कवर, स्विच रैक कवर इत्यादि आपको सब कुछ हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें इस कवर से रिलेटेड सारे वीडियो हैं। आप हमारे उस कवर से रिलेटेड सारे वीडियो पर आके उसमें हर एक चीज़ का कवर देख सकते हैं। अगर आप भी किसी चीज़ का कवर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसका वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। ये देखिए, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो मैं जो वीडियो बनाऊँगी तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सकेगा। अब मैं यहाँ इस तरीके से, देखिए, मैं आपको ये पूरा तब दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए,
अब आपको यहाँ से भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। मैं आपको पूरा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप कहीं से कंफ्यूज ना हो। मेरा लास्ट कोना बच गया था, सारा कंप्लीट हो गया है। अब हम जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो हमें इस तरीके से यहाँ फोल्ड करके और इस कोने पे जगह खाली छोड़ के निकाल लेना है। हम ठीक इसी तरीके से ये देखिए इस खाली वाली जगह पे जो हमारा खाली कोना बचा है उसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो आपको इलास्टिक अपनी जितनी चौड़ाई है उस चौड़ाई से आपको 10 इंच एक्स्ट्रा ले लेना था। हमारा 36 इंच था तो इसको मैंने 40 करके 50 इंच ले लिया है ये हमारा। तो ये हमारा हो गया है। ये देखिए हम इसमें रबड़ लगा लेंगे ऐसे। आप अपने गद्दे का भी माप लेके सोफे के कवर का भी माप लेके और उसका इलास्टिक लगा सकते हैं। अब इसे रबर डाल लेना है। ये देखिए बहुत आसान तरीके से बन जाता है आपको बिना किसी प्रॉब्लम। अगर आपके पास सोफ़ा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और एक बार आप ये कवर ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए हमारा रबर लगकर तैयार हो गया। मैं जो बच गया इस पर सिलाई करके इस रबर को जोड़ लेंगे। ये देखिए हमें ठीक इसी तरीके से इसके उस दूसरे वाले पार्ट्स को भी तैयार कर लेना है। ये देखिए हम इसके दूसरे वाले पार्ट्स को भी इस तरीके से रबर डालकर सिल के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए तो ये देखिए मेरे दोनों पार्ट सिलकर तैयार हो गए। आई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए आपको इस तरीके से लगाना है। ये जो हमारा इलास्टिक है तो इलास्टिक हमारा नीचे चला जाएगा और ये आप कवर में के साथ जाके एकदम अच्छे से चिपक जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये देखिए आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हम बहुत खुश होते हैं। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल सके। ये देखिए हमारा सोफ़ा कवर बनकर तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।